नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑडियो सीक्रेट्स। आज मैं शेख अदनान के घर पे जा रहा हूं, जो मेरे दोस्त है। उनको मैंने आरसीएफ का NX15 जो मॉनिटर है, वेज मॉनिटर, वो उनको मैंने रिकमेंड किया था। उनको मॉनिटर खरीदना था, स्टेज मॉनिटर, तो उन्होंने वो खरीदा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वो चेक करने के लिए, साथ में मैं वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी। क्या हाल है? कैसा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इधर है, इतने मुद्दत का बाद। दोस्तों, ये मेरे दोस्त है, मेरे बड़े भाई शेख अदनान। ओए, सबसे हमारा फ्रेंड आदमी है, हमारा बेस्ट, जैसा हमारा टीचर ही है, जैसा हम बोलते हैं हमारा टीचर ही है विशाल। ओ जाने की हाल है, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अदनान जी मस्कत ओमान में काफी फेमस साउंड इंजीनियर है, ये लाइव साउंड करते हैं, स्पेशली इधर जो वेडिंग के शोज है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। इनके पास यामा का मिक्सर है QL5, और एक छोटा मिक्सर भी इनके पास जो माइडस M32R है, 16 चैनल का। और ये वो नए मॉनिटर्स हैं जो मैंने इनको रिकमेंड किए थे खरीदने के लिए, और इन्होंने ये लेके आए। तो अभी हम लोग, सिंस दे आर नॉट येट ओपन ऑल्सो, हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। तो यहाँ पे इसको पावर कॉन का कनेक्शन है, और ये पावर कॉन का लूप आउट है, इसका प्रीएम सेक्शन है। तो यहाँ पे आप सिग्नल दोगे, यहाँ से लूप आउट है, ये वाला भी इसका इनपुट है। तो अगर आपके पास जैक इनपुट है तो आप जैक से भी ये इसको इनपुट सिग्नल दे सकते हो। यहाँ पे इसका इनपुट सेंसिटिविटी, अगर डायरेक्टली आप इसको माइक से कनेक्ट कर रहे हो तो ये यहाँ से आप माइक से ये सेंसिटिविटी आपको माइक पे लेके जाना है, और अगर आप इसको मिक्सर से सिग्नल दे रहे हो तो ये लाइन पे होना चाहिए। फ्री फील्ड और फ्लोर, इसको अगर आप स्पीकर के हिसाब से यूज़ करेंगे तो उस लिए रहेगा ये मोड, और फ्लोर इसलिए कि फ्लोर मॉनिटर। अदनान भाई कुछ बता रहे, जैसे बेस का जैसे ओके हाँ, इसको जब अंदर है तुमको इतना बेस नहीं आता है, जब इसको दबाएगा अंदर बेस, इसमें सबका जरूरत नहीं है, ओके एक ही काफी है। ओके, तो इसका मतलब है कि जब आप ये फ्री फील्ड में, फ्री फील्ड के सेटिंग पे हो, अगर आप ये दबाओगे तो इसमें से आपको थोड़ा सा लो एंड ज़्यादा मिलेगा, तो आप इसको पर्कशंस, जैसे कि लो पर्कशंस है, ओके, ड्रम की टोकरा, इसके लिए भी विदाउट सबवूफर आप यूज़ कर सकते हो। और अगर सिंगर वगैरह के लिए, या फिर कोई गिटार वगैरह ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए मॉनिटर जैसा यूज़ कर रहे हो तो इसको आपको ऊपर रखना है, तो ये फ्लोर मॉनिटर के मोड में रहेगा। ओके, तो ये है आरसीएफ का NX15 SMA। इसमें कोएक्सियल स्पीकर है 15 इंच का, 1 इंच का हाइज है। ये पावर्ड मॉनिटर है, एक्टिव बाय एम्प है। बाय एम्प का मतलब इसके अंदर दो एम्पलीफायर है, तो जो हाइज का एम्पलीफायर है वो 200 वाट है, और जो लोज का एम्पलीफायर है वो 500 वाट का है। तो कुल मिला के ये 700 वाट RMS है। स्पीकर स्टैंड या फिर स्पीकर सबवूफर पोल के लिए कपलर भी दिया है। ये वेज शेप में है, तो ये प्रॉपर स्टेज मॉनिटर है। अगर आप इसका शेप देखोगे, अगर आपको दूसरा एंगल चाहिए तो आप इसको यहाँ से भी सुला सकते हो, ये इस साइड से आपको दूसरा एंगल मिलेगा। We'll be right back.
He want to check. Ha ha. Check. Check. He want to check. तो ये इसका हाई पास फिल्टर है. यहां पे इस माइक को मैं थोड़ा सा हाई पास करूंगा. He want to. He. Ha ha. Ha. Check. ये कंप्लीटली लोज निकल चुके. अभी मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा. He want to check. Check this. Ha. Check six. Check one, two. Hey. ये लगभग 112 हर्ट्ज तक मैंने लोज कट किए इसके. हाई पास फिल्टर किया इसको. He want to check. Check six. He want to check one, two. He want to check. Check six. He want to. मैंने इसको मॉनिटर मोड में चेक किया था. ओके, तो ये थोड़ा सा इसका लेवल मैंने ज़ीरो किया और इसको अभी फ्री फील्ड में डाला. ओके, और बाद में ये फिर से मैंने लेवल फुल कर दिया. अभी इसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या फ़र्क है, अगर साउंड क्वालिटी में कुछ फ़र्क है तो. ये स्टार्ट किया. Hey, want to check. Check this. Check six. Hey, want to check. Hey. थोड़ा सा बेस ज्यादा है इसमें. इसमें हम लोग अब म्यूजिक प्ले करके चेक करेंगे. यहां पर आप देख सकते हो मैंने ये GQ कंप्लीटली फ्लैट करके रखा है. यहाँ पे EP कनेक्ट करके रखा है. ये चैनल का भी EQ अगर आप देखना चाहते हो तो ये कंप्लीटली जीरो है. ऐसे कई लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं मॉनिटर्स के बारे में, कौन सा मॉनिटर खरीदना चाहिए वगैरह. ये बहुत अच्छा मॉनिटर है, काफ़ी लाउड है. इसका आई गेस 130 dB SPL तक इसका मैक्सिमम लाउडनेस है. और अदनान भाई ने ये दुबई से ख़रीदा. इनको ये लगभग क्या प्राइस में मिला? ये तकरीबन
1320 रियाल। तो ये 1320 रियाल मतलब 26 लगभग ये 2,70,000 इंडियन रुपीस में, अगर हम लोग इसका दुबई के प्राइस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये दो मॉनिटर उन्होंने लगभग 2,70,000 रुपये में खरीदे, लगभग 1,20,000 से 30,000 तक इसका एक का प्राइस मिला इनको दुबई के प्राइस के हिसाब से। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताओ आपके एरिया में इसका कितना प्राइस है। ये था इस मॉनिटर के बारे में रिव्यू RCF का NX15SA में, जो कि बहुत अच्छा मॉनिटर है, 15 इंच का है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।